चेंज मुड़ एक पेट भरी बीमारी ने तबाही मचाउणी शुरू कर दिती है। इस बीमारी के लक्षण निमोनिया वांग दसे जा रहे हैं। वड्डी गिणती विच बच्चे बीमार हो रहे हैं। विश्व सेहत संगठन ने 22 नवंबर नूं चीन नूं इस बीमारी बारे रिपोर्ट सांझी करन दे लई कहा। हालांकि चीन इस नूं एक आम बीमारी दस रहा है। इस तों बाद चर्चा हो रही है कि यह बीमारी किसी होर महामारी का संकेत तो नहीं। एक रिपोर्ट अनुसार WHO ने विशेष तौर पर चीन विच फैल रहे उन्होंने सारे रोगाणुओं बारे जानकारी मंगी, जिन्हां विच इनफ्लुएंजा, SARS-CoV-2, साह लैण वाले सिंस्टेल वायरस अते माइकोप्लाज्मा निमोनिया शामिल ने। इस दे नाल ही सेहत संगठन ने देश दी सेहत प्रणाली ते निमोनिया दे अचानक हमले दे वेरवे दी वी मांग कीती है। एक विधि प्रमेय जो विश्व पद्धर ते शूद यानी कि साह दीआं बीमारियां दे फैलण दी जनतक तौर ते निगरानी करदी है दा कहना है कि चीन अतीत विच अजिही जानकारी सांझी करन विच पूरी तरह पारदर्शी नहीं रहा। अजिहे समय पीड़ित बच्चों के मापे सवाल कर रहे हैं कि अधिकारी इस महामारी नूं लुका रहे ने। दूजे पासे भारत दे सेहत मंत्रालय ने कहा कि भारत नूं एवियन फ्लू दे मामलियां दे नाल नाल चीन तों रिपोर्ट कीते गए साह दीआं बीमारियां दे समूहां तों घट जोखम है। इह बयान उत्तरी चीन विच बच्चियां विच साह दी बीमारी दे क्लस्टरिंग दे संकेत देण दी रिपोर्ट तों बाद आया। मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी चीन विच H9N2 दे केसां अते बच्चियां विच साह दीआं बीमारियां दे समूहां दे फैलण दी नेड़े निगरानी कर रहा है। इह वी कहा मनुखी पशु पालण ते जंगली जीव खेतरां विचकार निगरानी नूं मजबूत करन दी लोड़ है। मंत्रालय ने कहा कि भारत किसी भी तरह की जनतक सेहत एमरजेंसी नाल निपटण दे लई तैयार है। प्रोमेड ने लोकां दे हवाले नाल कहा कि बीजिंग दे बच्चियां दे हस्पताल विच बीमार बच्चियां दी गिणती बढ़ रही है। बच्चों में तेज बुखार और फेफड़ों में गंढा बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग तो लगभग 800 किलोमीटर दूर लियोनिंग सूबे के डालियन चिल्ड्रन हस्पताल के बीमार बच्चों को ड्रिप लगाई जा रही है। उतें ही हस्पताल के स्टाफ ने एमरजेंसी विभाग के मरीजों को 2 घंटे लाइन में इंतजार कराने बारे चिंता प्रगटाई है। प्रोमेड का कहना है कि यह स्पष्ट नहीं है कि बीमारी कदों शुरू हुई। हालांकि इन्ने सारे बच्चों का इन्नी जल्दी प्रभावित होना हैरान करने वाला है। जिक्रयोग है इस तो पहला चीनी अधिकारियों ने 13 नवंबर 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा सी कि इन्फ्लुएंजा वर्गियां बीमारियां विच इस ताज़ा वाधे का कारण COVID-19 पाबंदियों हटाना है। उन्होंने निगरानी अते सेहत संभाल प्रणाली की समर्था वधाउण ते भी जोर दिता सी। DTE दी रिपोर्ट विच अमरीका दे जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी दे शूद रोग माहर आमीश अडलजा दे हवाले नाल कहा गया कि चीन ने दुनिया दे बाकी हिस्सा दे मुकाबले बाद विच पाबंदियां हटाईआं ने। अजिही स्थिति विच एक क्लस्टर आम रोगाणुआं दा नतीजा हो सकदा है जिन्हां दे फैलण विच विघन पिया सी, जिस कारण इह सारे इक समें हमला कर रहे ने। अडलजा ने अगे कहा कि पिछले साल अमरीका विच अजिही ही स्थिति देखी गई सी जदों COVID-19 RSV ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗਾਣੂਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।